हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या इंडिया पर फिर से यूएसए सैंक्शंस लगाने वाला है, क्योंकि इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशंस वापस स्ट्रांग हो रहे हैं। ये खतरा काफ़ी हद तक मंडरा रहा है। इस पर आर्टिकल्स लिखे गए हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, और काफ़ी ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि इससे पूरे जियोपॉलिटिकल समीकरण एशिया में, एशिया पैसिफिक में बहुत तेज़ी से बदलेंगे अगर यूएसए इंडिया पर फिर से सैंक्शंस लगा देता है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा इशू क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की क्या मजबूरी है, व्लादिमीर पुतिन का क्या स्टांस है यहाँ पे, और ऑफ़ कोर्स इंडिया का क्या स्टांस रहने वाला है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। एंड ऑफ कोर्स स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है इन सब एग्जाम्स के लिए। SSC, बैंक, आरबीआई, ग्रेड बी, UPSC, डिफेंस एग्जाम्स कोर्स, स्टेट PCS कोर्सेज, वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज आपको मिलेंगे studyiq.com पे, और आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। तो रिसेंटली द हिंदू में ये आर्टिकल आया था जहाँ पर लिखा है कि यूएस के एडमिरल ने, नेवी के एडमिरल ने अपनी ही सरकार को गुहार लगाई कि प्लीज़ इंडिया पर सैंक्शंस मत लगाइएगा, इवन दो इंडिया रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है, आप यहाँ पे इंडिया को वेवर दे दीजिए, क्योंकि अगर इंडिया पर हम सैंक्शंस लगा देते हैं तो इंडियन ओशन रीजन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर खो देंगे। अब इशू थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, इसकी बेसिक जो फाउंडेशन है ये क्या है। इशू मेन यहाँ पर ये है फॉर द टाइमिंग, इसमें और बहुत सारे लेयर्स हैं ऑफ कोर्स, उस पर हम बात करेंगे ही, मगर मेन इशू ये है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इंडिया रशिया से खरीद रहा है, करीब 5 बैटरी हम खरीद रहे हैं इसकी, और इसका जो टोटल कॉस्ट होगा करीब 39,000 करोड़ रुपीज़ होगा। ये डील ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, पिछले 1.5 साल से इसके बारे में हम सुन रहे हैं, फाइनली ये कंप्लीशन की स्टेज पे है, और इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी मजबूती मिलेगी इस सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम से। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में यूएसए ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया, इस एक्ट का नाम था CAATSA, इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। एडवर्सरी होता है आपका दुश्मन, मैं कहता हूं कि ये मेरा एडवर्सरी है, मतलब कि दुश्मन है, मतलब कि अमेरिका अपने दुश्मनों को काउंटर करेगा किसके थ्रू, सैंक्शंस के थ्रू। तो अमेरिका के दुश्मनों में फॉर द टाइम बीइंग इंडिया तो ऑब्वियसली आता नहीं है, 3 कंट्रीज प्राइमरीली आते हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया। तो ये जो एक्ट है इन 3 कंट्रीज पर टारगेट किया गया था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि इस एक्ट में ये प्रावधान भी है कि अगर मान लो रशिया से कोई कंट्री डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है तो उस कंट्री पर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ऑलराइट, तो इंडिया तो यहाँ पे S-400 खरीद रहा है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया जैसी पोजीशन में आपको पता है, एक साइड चाइना है, एक साइड पाकिस्तान है, हमको पता नहीं है कि आने वाले 10 साल में क्या होगा, समीकरण कैसे चेंज होंगे, तो हमको तो अपना डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ रही है कि इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए रशिया से, यूएसए ने कहा है कि मत खरीदो नहीं तो सैंक्शंस लगाएंगे। अब इससे जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो गई है वो ये है कि क्या इस सब की वजह से इंडिया यूएस रिलेशंस वापस सन 2002 या फिर 9/11 से पहले जो रिलेशंस थे वैसे हो जाएंगे, सारी तरक्की बस चली जाएगी, पिछले 20 साल में दोनों देशों ने जो भी आगे प्रोग्रेस करी थी सब खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही जानेंगे बेसिकली, यहाँ पर ये जो सैंक्शंस हैं किस टाइप के हैं, इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से ये हार्म कर सकते हैं, इंडिया के किस तरीके के आगे प्लान है रशिया के साथ और इक्विपमेंट खरीदने के, और यहाँ पे ऑफ कोर्स अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट भी क्या हो सकते हैं इंडिया को रशिया से दूर करने में। अब देखो, ये जो CAATSA एक्ट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसमें तीनों कंट्रीज आती हैं, और ये भी माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का भी रिसेंटली जो आप एक बदला हुआ रूप देख रहे हैं, जहाँ पे किम जोंग उन बात करने को तैयार है, हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो कुछ हद तक इस एक्ट की वजह से भी है। 2017 में इसको लागू कर दिया गया था, नॉर्थ कोरिया पर जो सैंक्शंस लगाए गए तो वो कंट्रीज़ को झेल नहीं पाई, और उनको लग रहा था कि अगर ये सैंक्शंस 3-4 साल तक चलते रहे तो पूरी इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी, क्योंकि ये जो एक्ट है ये वेरियस जो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के उसको डायरेक्टली टारगेट करता है। एक तो है ऑयल और गैस इंडस्ट्री, रशिया की ऑयल और गैस इंडस्ट्री उसकी इकोनॉमी की बैकबोन है, फिर डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर, वहाँ पे आपको पता है रशिया को ऑलमोस्ट आइसोलेट कर दिया है। आज के टाइम में अगर कोई भी कंट्री रशिया से S-400 या कुछ भी खरीदने की कोशिश करता है सीधा उस पर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रशियन बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करना वगैरह वो भी काफ़ी मुश्किल कर दिया गया है। अब ये सब
किया इसलिए है इन्होंने, मेन दो कारण है, एक तो ऑफकोर्स यूक्रेन में रशिया ने जो इंटरवेंशन करी, क्राइमिया हथिया लिया, एक ये रीज़न है। दूसरा एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये भी है कि ये प्रूव हो गया कि रशियन हैकर्स ने 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंटरफेरेंस करी थी, मेडलिंग कहते हैं इसको, ये इन्होंने करी थी। बेसिकली प्रूव ये हो गया है कि बहुत सारे रशियन हैकर्स ने यूएसए में एक डिविजन वाली पॉलिटिक्स को फैलाया, वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और जो वहाँ पे जो कॉकेशन रेस के लोग हैं उनको एक तरीके से फियर मॉन्गरिंग में फंसा दिया, उनको एक डरा दिया कि उनकी जो आबादी है वो कम हो रही है, वो अपने देश में माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो इस सब की वजह से जो इलेक्शन का माहौल था काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। और आपने रिसेंटली वगैरह सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है रशिया की ये इलेक्शन मेडलिंग को लेकर। वो इन्वेस्टिगेशन ये है कि देखो, रशियन हैकर्स ने यहाँ पर मेडलिंग करी तो हम रशिया को दंड दे रहे हैं। ट्रंप साहब पर मेन जो आरोप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा यहाँ पे लगाया जा रहा है वो ये है कि इन्होंने रशिया की हेल्प कबूली, ये जानते रहे कि रशियन हैकर्स उनको हेल्प कर रहे हैं इलेक्शन में, और इन्होंने एक तरीके से एक फॉरेन कंट्री जो काफ़ी हॉस्टाइल है यूएसए के, उसकी हेल्प ली इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए। तो उसी की जांच पड़ताल चल रही है। उसके अलावा कुछ और केस भी हैं, इन्होंने कुछ एक इनफेमस और कुछ भद्दे काम भी किए हैं, तो उसकी भी जांच पड़ताल यहाँ पर चल रही है। तो क्या है कि देखो, जब ये एक्ट तैयार हो रहा था ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस एक्ट में बहुत ज़्यादा कमियां हैं और यूएसए को जियोपॉलिटिकली ये एक्ट बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, और इन्होंने इंग्लिश में कहा था कि ये एक्ट फ्लॉड है, कमी बहुत सारी है इसमें। मगर प्रॉब्लम ये है कि सिंस डोनाल्ड ट्रंप पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इन पर एक एडेड प्रेशर बन जाता है कि रशिया के खिलाफ कड़े कदम उठाएं, नहीं तो इनके खुद के लोग इन पर शक करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए इस एक्ट में डोनाल्ड ट्रंप कहते कि मैं रशिया को इंक्लूड नहीं करूँगा, तो ऑलमोस्ट ये लोगों के माइंड में साबित हो जाता, लोगों के माइंड में कह रहा हूँ, मैं ऑन पेपर नहीं कह रहा, ये उनको यकीन हो जाता है इस बात का कि इस आदमी के कहीं ना कहीं रशिया से रिलेशन है और कहीं ना कहीं ये रशिया का एक पपेट है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही पार्टी में खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए यहाँ पे रशिया को ऐड करना पड़ा, और जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सिक्योरिटी सेक्टर, इसको भी यहाँ पे लाना पड़ा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यूएसए के लिए इतनी बड़ी ये है कि एक तो इंडिया जैसा बहुत ही बड़ा कंट्री यूएसए से दूर हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया से इंडिया खरीदता तो ऑटोमेटिकली इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगे। मगर साथ ही साथ बहुत सारी और कंट्रीज़ भी हैं जो रशिया का S-400 खरीदने वाली हैं, रशिया के हेलीकॉप्टर खरीदने वाली हैं, रशिया के टैंक खरीदने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कतर ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो S-400 खरीदना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो S-400 खरीदना चाहते हैं, फिर टर्की ने भी रिसेंटली S-400 खरीदने की बात करी थी, इंडोनेशिया भी खरीदना चाहता है, वियतनाम चाहता है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदे। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो रशिया से वेपन्स, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ वो परचेज होगी, क्या हर कंट्री पर सैंक्शंस लगा दिया जाएगा? तो टोटल सैंक्शंस तो यहाँ पे कम से कम 20-25 कंट्री का भी हो सकता है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कहते रहे कि ये एक्ट काफ़ी फ्लॉड है। मगर कई बार क्या होता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में जब पार्टीज़ पावर के लिए इतनी ज़्यादा हंगरी हो जाती हैं कि वो देश हित के बारे में भी नहीं सोचती, तो अल्टीमेटली कंट्री का लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है, और यूएसए का लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि काफ़ी नुकसान इस एक्ट की वजह से हो रहा है। अब देखो, ये जो सैंक्शंस वाला एक्ट है, इसका सेक्शन 231 ये कहता है कि जो 11 लिस्टेड सैंक्शंस है, बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कोई कंट्री है वो रशिया के साथ ट्रेड करती है, वेपन खरीदती है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि 12 लिस्टेड सैंक्शंस में से 5 सैंक्शंस मिनिमम उनको लगाना ही है, उसके बाद उनके पास मर्जी है कि 6 करें, 7 करें, 5 तो उनको लगाने ही लगाने होंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मान लो इंडिया खरीदता रशिया से खुद, तो ट्रंप कहें कि नहीं मैं यहाँ पे 0 सैंक्शन लगाऊंगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है इस एक्ट का वो मजबूर कर देगा यूएस प्रेसिडेंट को कि कम से कम 5 सैंक्शन तो लगाने ही लगाने हैं। उस पर ऑफकोर्स डील हो सकती है कि वो 5 कौन से सैंक्शन लगाएंगे। ये सैंक्शन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके भी हो सकता है, डिफेंस इक्विपमेंट को लेके भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो एक इशू है आज के टाइम में इंडिया और यूएसए के बीच में काफ़ी बढ़ गया है, और ये जो सैंक्शन वाला इशू है, ये भी माना जा रहा है कि रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी जी विजिट करने के लिए गए थे चाइना की, तो उसमें ये जो सैंक्शन वाला इशू था ये भी था। इससे रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही फेमस कहावत भी है कि अमेरिकन्स फॉरगेट इजीली, इंडियंस नेवर फॉरगेट। मतलब कि अमेरिकन्स भूल जाते हैं कि अच्छा हमने आपके साथ कुछ बुरा किया था, हमने आपको बॉम्ब किया था, चलो छोड़ो वो सब, अब नया स्टार्ट करते हैं, नई डील स्टार्ट करते हैं, चलो ट्रेड करते हैं। तो अमेरिकन्स की एक आदत देखी गई है कि वो पुराने जो सैंक्शंस हैं उसके बारे में भूल जाते हैं, वो बस आज के टाइम में फोकस करते हैं, और इंडियंस की आदत ये देखी गई है कि भूलते नहीं है कि 1971 में क्या हुआ था वगैरह सब कुछ। इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी है,
इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो भी थिंक टैंक है उनको इसके बारे में अच्छे से पता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इंडिया भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है यूएसए के इस एक्ट को लेकर, जो इंडिया पर बिना वजह का प्रेशर डाल देता है वेपन्स प्रोक्योरमेंट के इशू को लेकर। अब इस सब में एक वेस्टर्न इंटरेस्ट जो यूएसए का है उसको हम इग्नोर कर नहीं सकते। आप अगर पिछले 5 साल में देखो तो यूएसए सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्टर बन के उभरा है इंडिया को। इंडिया ने इन रीसेंट मंथ्स ये कोशिश करी है कि रशिया से भी बहुत सारा वो इक्विपमेंट खरीदेगा ताकि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो भी मेंटेन रहे, एक इक्विलिब्रियम बना के रखा जाए, ना हम ज़्यादा यूएसए पर डिपेंडेंट हो जाए ना रशिया पर डिपेंडेंट हो जाए। तो एक बार जरा आप यहाँ पर नोटिस करिए, ये जो डेटा है ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस डिमांड फॉर ग्रांट्स 2017-18 से लिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस साल रशिया से कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए डिफेंस के, कितने का सामान खरीदा गया, फिर धीरे धीरे कैसे ये कम हुआ। ये 2013-14 का डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो थे रशिया के साथ सिर्फ 2 हुए और यूएसए के साथ 7 हुए। यूएसए के साथ बिजनेस हुआ करीब 6,700 करोड़ का, रशिया के साथ सिर्फ 1,300 करोड़ का। अगले साल रशिया ने थोड़ा बाउंस बैक किया, रशिया के साथ 7 कॉन्ट्रैक्ट हुए, यूएसए के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए, यूएसए के साथ सिर्फ 58 करोड़ की डील्स हुई, रशिया के साथ 6,000 करोड़ की डील हुई। फिर अगले साल यूएसए ने कम्प्लीटली रशिया को पीछे छोड़ दिया, रशिया के साथ सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्ट, यूएसए के साथ 4 बड़े कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पोसाइडन वगैरह और काफ़ी और इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस सब में 22,000 करोड़ की डील्स हुई और यहाँ पर मैं कहूँगा यूएसए ने रशिया को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ दिया। आज के टाइम में अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें 2013 से लेकर 2017 तक, तो आप देखोगे यूएसए से हमने करीब 30,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लिया है और रशिया से सिर्फ करीब 8,300 करोड़ का खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए की जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे, तो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनकी हंगर भी दिख रही है कि ये जो बचा हुआ यहाँ पर थोड़ा सा एक पोर्शन जो बचा हुआ है रशिया का, इसको भी ये कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहते हैं और रशिया को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं इंडियन डिफेंस मार्केट के सप्लायर की लिस्ट से, और चाहते हैं कम्प्लीटली यहाँ पे अमेरिकन डोमिनेंस हो जाए। नहीं तो अचानक से ऐसा एक्ट पास कर देना और एक्ट को बनाते वक्त भी ये उसमें प्रावधान ना डालना कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन डाल देंगे, उनके लिए कुछ वेवर डाल देंगे, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक बात थी, आप जब रशिया पे सैंक्शंस लगाने की बात करते हो और बाकी कंट्रीज़ पे भी लगाने की बात करते हो तो इंडिया को बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट इससे होना ही था। वहाँ पे मैं नहीं मान सकता कि किसी के माइंड में ये बात आई नहीं होगी। तो ये सब जो हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, इससे यही पता लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो यूएसए की जो डिफेंस कंपनीज़ हैं उनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ यहाँ पे छुपा हुआ था। देखो आप सन 2008 से देखो तो इंडिया ने यूएसए से ये सब खरीदा है, करीब 15 बिलियन डॉलर्स की डील्स हुई हैं। यहाँ पे हमने C-17 ग्लोब मास्टर खरीदा है, ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, फिर C-130 ये ट्रांसपोर्ट प्लेन भी खरीदे हैं, फिर ये पोसाइडन 8 जो है मैरीटाइम ये एयरक्राफ्ट है, बेसिकली सबमरीन को हंट करने के लिए होता है, फिर M777 लाइट वेट हाउस्टर भी खरीदे हैं, ये गन्स हैं आर्टिलरी गन्स, फिर हार्पून मिसाइल भी खरीदे हैं हमने, अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े लेवल पर परचेजिंग हुई है यूएसए से, और इसको बैलेंस करने के लिए हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया आने वाले टाइम में पहले तो एक तो S-400 खरीदने वाला था, ये ही एक बहुत ही बड़ी डील है, ये करीब 6 बिलियन के आसपास की डील है। ये डील होते ही रशिया भी काफ़ी सालों तक खुश रहता, तो इस डील से रशिया को भी लगता कि उनका भी इंडिया की मार्केट में ठीक ठाक शेयर है। उसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डील थी हेलीकॉप्टर्स की, ये KA-226T हेलीकॉप्टर जो है, ये 200 ऐसे हेलीकॉप्टर्स मेक इन इंडिया के अंडर इंडिया में मैन्युफैक्चर होने थे और फिर हमारी जो आर्मी है वो भी इसको खरीद लेती। तो यहाँ पर ये डील भी कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होने वाली थी, यहाँ पर लग रहा है कि ये भी नहीं हो पाएगा। फिर और उसके अलावा काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर भी थे इंडिया रशिया के बीच में जो अब खतरे में आ गए हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया रशिया मिलके एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे थे, और ब्रह्मोस एयर स्पेस का तो एग्जांपल है ही, ब्रह्मोस को भी इम्प्रूव करने पर काम किया जा रहा है। तो इन सब प्रोजेक्ट्स पर अचानक से अब अंधकार छा गया है, पता नहीं लग रहा कि इनको क्या किया जाएगा। क्या इंडिया यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहता, यूएसए से रिलेशन अपने ख़राब नहीं करना चाहता, ये सब डील्स इंडिया कैंसिल कर लेता है सैंक्शंस के डर के चक्कर में और रशिया को और ज़रा पीछे धकेल लेता है, या फिर इंडिया कहता है कि नहीं रशिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर और यहाँ पे इमोशन नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे प्यारे पुराने दोस्त थे तो हम करेंगे, सब कुछ लॉजिक होता है, सब कुछ इकोनॉमिक्स के हिसाब से होता है, सब कुछ आपकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दोस्ती कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये सब
इंडिया के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सोचना होगा कि इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक बात उठाई जा रही है कि शायद इंडिया को एक डील के लिए वेवर मिल जाएगा। वेवर मतलब छूट, कि ठीक है आप ये डील कर लो। तो अगर मान लो S-400 की डील USA कहता है ठीक है सिर्फ वही डील हम कहेंगे उस पर वेवर है, बाकी जो डील्स हैं वो आप नहीं कर सकते। तो ये जो कमाव हेलीकॉप्टर वाली जो डील थी, कमाव हेलीकॉप्टर जो 200 बनने थे इंडिया में, ये अगर नहीं होती तो मेक इन इंडिया को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। रिसेंटली आपको पता है चेन्नई में हमारा डिफेंस एक्सपो हुआ है, वहाँ पे मेक इन इंडिया के अंडर इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको दिखाया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये जो हेलीकॉप्टर डील था ये भी थी। तो ये मेक इन इंडिया के लिए हमारे डिफेंस एक्सपो के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म हमारी विजन थी उस सब के हिसाब से काफ़ी बड़ा एक डेंट भी हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि इंडिया को वेवर किस टाइप का मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो। क्योंकि इससे पहले देखो जब सैंक्शंस इंडिया पे लगाए गए थे वो था 1998, उस वक्त इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, हम पे सैंक्शंस लग गए थे, और उसके बाद इंडिया US रिलेशंस को वापस नॉर्मलाइज होने में करीब 7 से 10 साल लग गए थे। ये काफ़ी टाइम हमने लूज़ कर लिया था। आज के टाइम USA की जो फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक है वो जानते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री को वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे सैंक्शन फिर से वो नहीं लगा सकते। फिर से अगर दोनों कंट्री में 7-10 साल का अगर गैप आ गया तो उसमें चाइना आराम से पूरे एरिया में इतना इन्फ्लुएंस बना लेगा कि USA चाइना से टक्कर कम से कम पैसिफिक ओशन रीजन में या फिर इंडियन ओशन रीजन में नहीं ले पाएगा। अब देखो यहाँ पर USA की जो डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है जेम्स मैटिस, उन्होंने ट्रंप को बार बार कहा है कि इंडिया को यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दो। उनके जो एडमिरल है वेरियस लेवल पे हम देख रहे हैं पेंटागन से बार बार आवाज़ आ रही है कि ये जो मूर्खता है ये मत करो, इससे सारा जो अब तक हमने किया सब पे पानी फिर जाएगा। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मान लो आप इंडिया को वेवर देते हो तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, बीस तीस कंट्रीज़ हैं जो रशिया से वेपन्स खरीदने के प्रोसेस में है, तो सबको वेवर दोगे तो ओवरऑल जो सैंक्शंस लगाए हैं उसका मतलब क्या हो गया। फिर ऑफकोर्स जो ट्रंप पे आजकल जो वहाँ पे मीडिया का वार चल रहा है और उन पर जो बहुत बड़ा प्रेशर है रशिया इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो वो इस सब में इसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर मान लो ट्रंप कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पर इंडिया को एग्जाम्प्ट करता हूँ, इंडोनेशिया को एग्जाम्प्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो ट्रंप पे अटैक करेगी, लोगों का विश्वास ट्रंप पे कम होगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इनके अभी सेनेट के और इलेक्शन होने हैं वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी की हार हो। तो ये कोई पॉलिटिशियन चाहता नहीं है, एक बार को वो लॉन्ग टर्म में कंट्री को मुश्किल में डाल देगा, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर देखना होगा कि इन दी एंड सूझबूझ ट्रायम करती है, विजडम ट्रायम करती है या नहीं। ये एक ऐसा इश्यू है जहाँ पे अभी मीडिया ने ज़्यादा इस पर लाइट डाली नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कुछ समझाना पड़ता है इसमें, और साथ में फिर ये भी है कि इसके जो रेप्रकशंस होंगे वो इतने गहरे और इतने बड़े हैं कि अगर कोई सच में देश की कदर करता है, देश को देश के बारे में जानना चाहता है, देश के डिफेंस सेक्टर के बारे में वरिड है, उसको ये सब सुन के काफ़ी सच में चिंता भी हो सकती है। खैर उम्मीद तो यही है कि इन दी एंड जो भी होगा एक प्रैक्टिकल सेंस में होगा, इंडिया को कम से कम कुछ वेवर तो मिल ही जाएगा और इंडिया जो मेन डील है S-400 की उसको कंक्लूड कर ही लेगा। खैर इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।